हाय किड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसटी स्टडी गाइड। तो बच्चों, आज हम इस लेक्चर में बहुत ही इंटरेस्टिंग राइम सीखने वाले हैं, यानी कि पोयम। कौन सी है वो पोयम? सेब। कौन सी है? सेब। क्या दिया है? वॉच द राइम देन सिंग अलोंग विद एक्शंस। ओके, चलो तो हम पहले क्या करते हैं, पूरी पोयम हम सीखते हैं, फिर क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से उसका मीनिंग भी सीखेंगे। ओके, तो चलो हम पहले क्या करते हैं, पोयम सीखते हैं। ओके, चलो देखो यहाँ पे सेब्स। आई एम सेर अ सर्कल, वॉच मी टर्न अराउंड एंड अराउंड, अराउंड एंड अराउंड, अराउंड एंड अराउंड। आई एम सेर अ सर्कल, watch me turn around and around, around and around, around and around. Okay, square. Square, square is my name, my four sides are just the same. Turn me around, I don't care, I am always the same, I am a square. Square. Square, square is my name, my four sides are just the same. Turn me around, I don't care, I am always the same, I am a square. Okay, diamond. I am a Danny Diamond, I am like a kite, but I am really just a square, whose corner are pulled tight. I am a Danny Diamond, I am like a kite, but I am really just a square, whose corners are pulled tight. Rectangle. Ricky, rectangle is my name, my four sides are not same, two are short and two are long, count my sides, come along. Rectangle. Ricky, rectangle is my name, my four sides are not the same, two are short and two are long, count my sides, come along. Triangle. I am a Tommy Triangle, look at me, count my sides, they are 1, 2, 3. Triangle. I am a Tommy Triangle, look at me, count my sides, they are 1, 2, 3. Okay? देखो ये क्या है, shapes की rhyming है। okay? तो हमने क्या किया है, अभी अच्छे से sing किया है। okay? अच्छे से सीखा है। okay? तो क्या है, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं और उसका मीनिंग समझ लेते हैं। ओके, देखो यहाँ पे देखो सर्कल, और सर्कल का जो मीनिंग है वो इधर दिया है। ओके, सर्कल, देखो सर्कल का शेप कैसा है, राउंड एंड राउंड। ओके, कैसा है, राउंड एंड राउंड, यानी कि गोल है। तो अच्छे से हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। देखो, आई एम अ सेर अ सर्कल, वॉच मी टर्न अराउंड एंड अराउंड, अराउंड एंड अराउंड, अराउंड एंड अराउंड। यहाँ पे क्या दिया है, जो सर्कल का शेप है कैसा है, अराउंड है, कैसा है, गोल है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, सर्कल। सर्कल का शेप कैसा है, गोल है, राउंड एंड राउंड। हमारी जो स्कूल बस है, स्कूल बस के जो व्हील्स है उसका भी आकार कैसा होता है, गोल, यानी कि सर्कल, राउंड होता है। ओके, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे। आप जो यूनिफॉर्म पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, उसके जो बटन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सर्कल की तरह। ओके, देखो यहाँ पे सर्कल, आपको अच्छे से समझ आया, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, स्क्वायर। देखो यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर कैसा है, देखो स्क्वायर इज माय नेम, माय फोर साइड्स आर जस्ट द सेम, टर्न मी अराउंड, आई डोंट केयर, आई एम ऑलवेज द सेम, आई एम अ स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर के फोर साइड्स होते हैं, सेम होते हैं, कितने, 1, 2, 3 और 4, ये फोर जो साइड्स है वो सेम है, और उसका आकार कैसा है, एक बॉक्स के आकार के जैसा। ओके, बॉक्स के आकार के जैसा उसका आकार है, उसके साइड्स फोर है। ओके, हम देखते हैं कि हमारे स्कूल की जो विंडोज है, हमारे घर के विंडोज, उनका आकार भी कैसा होता है, स्क्वायर के आकार का जैसा होता है। ओके, उसे भी हम स्क्वायर भी बोल सकते हैं ना, आप लोग चेस तो खेलते होंगे। ओके, तो चेस बोर्ड का भी आकार स्क्वायर के आकार जैसा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डायमंड। ओके, आई एम अ डैनी डायमंड, आई एम अ लाइक अ
right, but I am really just a square whose corners are pulled out tight. Okay, diamond कैसा है? देखो kite की shape की जैसा. Okay, kite का shape कैसा होता है? हमने देखा है, हमने उड़ाया भी है kite. Okay, तो diamond का जो shape है वो just like एक काइट की तरह दिखता है. ओके, इसलिए उसे काइट भी बोला जाता है. जो डायमंड होता है वो जस्ट लाइक एक स्क्वायर की तरह दिखता है और उसके कॉर्नर जो होते हैं एक दूसरे से टाइटली बंधे हुए होते हैं. कितने कॉर्नर से? 1, 2, 3 और 4 कॉर्नर से. और 4 कॉर्नर्स एक दूसरे के साथ टाइटली बाइंडिंग होते हैं और वो कैसा दिखता है? जस्ट लाइक अ स्क्वायर की तरह. ओके, तो डायमंड के एग्जाम्पल से काइट, काइट का भी आकार शेप डायमंड की तरह होता है. एंड फिश, फिश का भी आकार डायमंड की तरह होता है. तो देखो यहाँ पे रेक्टेंगल, रिंकी रेक्टेंगल इज माय नेम. माय 4 साइड्स आर नॉट द सेम, टू आर शॉर्ट एंड टू आर लॉन्ग, काउंट माय साइड्स कम अलोंग. यहाँ पे देखो रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल की जो सामने की दो साइड्स है सेम है. देखो यहाँ पे दो सामने की साइड्स है वो सेम है. ओके, यहाँ पे देखो टू साइड्स है शॉर्ट है और टू साइड्स लॉन्ग है. ओके, अच्छे से देखो. और जो रेक्टेंगल का शेप कैसा होता है? हम जो नोटबुक यूज करते हैं, बुक्स यूज करते हैं, बुक्स के आकार का जो शेप्स होता है वो रेक्टेंगल का शेप होता है. ओके, यहाँ पे देखो ट्रायंगल, आई एम अ टॉमी ट्रायंगल, लुक एट मी, काउंट माई साइड्स, दे आर 1, 2, 3. यहाँ पे देखो ट्रायंगल, ट्रायंगल का आकार कैसा होता है, शेप कैसा होता है? एक समोसे की शेप की तरह होता है. तो ट्रायंगल को कितनी साइड्स दी है यहाँ पे? 1, 2, 3. यहाँ पे 3 साइड्स है. ओके, हम आइसक्रीम खाते हैं. ओके, जो आइसक्रीम का जो कोन होता है उसका भी आकार ट्रायंगल की आकार की जैसा ही होता है. ओके, तो अभी हमने राइम्स अच्छे से सीख ली है. ओके, शेप्स वाली. ओके, तो हम क्या करेंगे, इस पर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. ओके, तो चलो हम करते हैं. तो यहाँ पे दिया है मैच करेक्ट, यहाँ पे कुछ शेप्स दिए हैं देखो यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं. हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट के साथ शेप्स की मैच लगवानी है. ओके, तो यहाँ पे अच्छे से देखो व्हील्स, व्हील्स का शेप कैसा होता है? अभी अभी हमने देखा है ऐसा होता है सर्कल. हम क्या करेंगे, सर्कल के साथ इसकी अब मैच लगाएंगे. ओके, यहाँ पे देखो आइसक्रीम, अभी अभी हमने देखा है आइसक्रीम का शेप कैसा होता है, ट्रायंगल की शेप जैसा. ओके, ट्रायंगल आइसक्रीम का जो कोन होता है वो देखो अच्छे से ट्रायंगल से. ओके, यहाँ पे देखो पे क्या है, चेस बोर्ड है. तो चेस बोर्ड का आकार कैसा होता है, स्क्वायर के आकार जैसा. ओके, तो हम थोड़ी स्क्वायर के साथ लगाएंगे. यहाँ पे देखो नोटबुक है, नोटबुक का आकार कैसा होता है, रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल के साथ हम इसकी जोड़ी ऐसे लगाएंगे. तो यहाँ पे क्या दे, नाउ कलर द शेप्स गिवन बिलो यूजिंग दिस कलर कोड. यहाँ पे कुछ कलर कोड दिए हैं, वो हमें क्या करना है, एक कलर कोड इसमें भरने हैं. ओके, तो हमें क्या करना है, शेप्स को कलर देना है. यहाँ पे रेड दिया है, ग्रीन, येलो और ब्लू. हमें क्या करना है, ये कलर जो है यहाँ पे अच्छे से ड्रॉइंग करनी है. ओके, तो चलो हम करते हैं. तो यहाँ पे देखो मैंने कलर्स के चॉक्स निकाले हैं, अब हमें क्या करेंगे, कलर करेंगे. ओके, तो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को कौन सा कलर देना है हमें, रेड वाला. तो हमें ऐसे कलर देंगे, मैं यहाँ पे डार्क कलर नहीं दूंगी. ओके, पीला वाला ही दूंगी. आपको इसे डार्क करना है. ओके, देखो मैंने यहाँ पे रेड वाला कलर दिया है, यहाँ पे ग्रीन देंगे हम. इसे क्या बोलते हैं हम, क्या है, ट्रायंगल है. ओके, येलो इसे क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल. जो शेप्स के नेम है वो अच्छे से हमें याद रखने हैं. ओके, कौन सा शेप कैसा दिखता है. ओके, रेक्टेंगल का शेप्स कैसा होता है, जो हम टीवी देखते हैं कि नहीं, आप टीवी का कैसा शेप होता है, रेक्टेंगल की शेप की तरह वो दिखता है कि नहीं टीवी. ओके, अच्छे से हमें क्या करना है, चीजें देखकर हमें शेप्स याद कर लेने. ओके, ये ब्लू, ब्लू इसे क्या बोलते हैं हम, सर्कल. सर्कल का आकार गोल होता है, हम क्या कहते हैं,
बैट बॉल आप लोग बैट बॉल खेलते हैं ना, तो बॉल का जो शेप होता है कैसा होता है, सर्कल के शेप के जैसा होता है कि नहीं? ओके देखो मैंने यहाँ पे अच्छे से कलर दिए हैं। ओके अभी अभी हमने जो शेप सीखे है वो सिर्फ बेसिक शेप है, ऐसे बहुत सारे शेप हमें आगे सीखने को मिलेंगे। ओके तो चलो मैं ड्रॉ करके भी आपको शेप सिखाती हूँ। ओके तो हमने क्या सीखा है, शेप सीखे है। ओके शेप। ओके अभी अभी हमने शेप सीखे है। तो फर्स्ट कौन सा शेप है, सर्कल। देखो सर्कल का आकार कैसा होता है, राउंड एंड राउंड। ओके नेक्स्ट कौन सा, अच्छे से याद करना, स्क्वायर। देखो स्क्वायर, स्क्वायर का शेप कैसा होता है, एक चेस बोर्ड की शेप्स की तरह। उसके कितने साइड्स है, 4 साइड्स है, और कॉर्नर कितने हैं, 4 कॉर्नर्स है। ओके सर्कल को एक भी साइड नहीं होती है, वो शेप कैसा होता है, गोल होता है, राउंड एंड राउंड। देयर आर नो साइड्स, देयर आर 4 साइड्स, 4 साइड्स आर द सेम। ओके थर्ड हमने कौन सा सीखा है, ट्रायंगल। देखो अच्छे से ट्रायंगल, ट्रायंगल, ट्रायंगल का शेप कैसा होता है, समोसे की शेप की तरह। There are 3 sides. There are 3 sides and 3 corners. Okay. Fourth, कौन सा shape है? Diamond. Like a kite. There are कितने corners है? 4 corners. Their sides are pulled tight. Okay. Fifth, कौन सा सीखा है? Rectangle. Rectangle are 4 sides. 2 sides are long and 2 sides are short. देखो अभी अभी हमने shape सीखे, okay? सब basic shapes है, okay? सिर्फ basic shape है, okay? तो आपको ये shapes अच्छे से याद रखने हैं, okay? I hope मैंने जो भी shapes आज आपको सिखाए हो आपको वो समझ आए। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक छोटी सी लाइक कर देना और चैनल को ज्यादा से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।